हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस समय मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहा है, बच्चों का स्कूल का समय है और इनको छोड़ने जा रही हूँ। और साथ में लेटर भी चेक कर लेती हूँ, लेटर आया नहीं आया। सो इस टाइम मॉर्निंग के 7 o'clock हो रहे हैं और आसमान बिल्कुल साफ़ है और इतना सुंदर दिखाई दे रहा है मॉर्निंग समय। एंड आई थिंक थोड़ी देर में सनशाइन भी होने वाला है। सो इतना अच्छा व्यू है, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ज़्यादा ठंड नहीं है और आई थिंक आज बस टाइम से आएगी। कल थोड़ा लेट थी बस, आज टाइम से आएगी। और आज थोड़ा मौसम अच्छा सा लग रहा है, मे बी शाम को थोड़ी सी स्नो होगी। मॉर्निंग समय यहाँ पे काफ़ी बच्चे वेट करते हैं बस का, और काफ़ी सारे बच्चे इस बस से जाते हैं। कुछ स्कूल बस से जाते हैं, कुछ सिटी ऑफ एडमिंटन के बस से जाते हैं। सो आई थिंक आज बस आ ही गई है और अब ये बच्चे जाएंगे स्कूल। आज टाइम से आ गई, कल थोड़ा वेदर भी मॉर्निंग टाइम अच्छा नहीं था, तो इसलिए मुझे लग रहा ऑन द रोड देर हो गई थी बस को। सो 5 मिनट लेट थी यस्टरडे, टुडे इज़ ऑन राइट टाइम। टुडे द गार्बेज डे, और हमने अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर रखा है जिससे ये पता चलता है कौन सा बॉक्स किस दिन जाएगा। सो हमारे पास 2 बॉक्स हैं, एक ग्रीन वाला एक ब्लैक वाला। ग्रीन वाला तो हमारा किचन वेस्ट वाला है, जो हमारा खाना बच जाता है वो उसमें डालते हैं, और ब्लैक वाला हमारा अनदर हाउस होल्ड वेस्ट है। गार्बेज डे के दिन गार्बेज ट्रक होल डे किसी भी समय आता है और ये अपना कलेक्ट करके ले जाता है। सो मेरे पास कुछ ओल्ड मेमोरी क्लिपें हैं जब बच्चे 6th या 8th स्टैंडर्ड में थे। सो हमने इनको कुछ स्केट क्लासेस दी थी, जिसके कारण उन्हें थोड़ा सा स्केट करने आ गया था। और जब भी मौसम अच्छा होता था तो हम रेक सेंटर में, रिक्रेशन सेंटर है यहाँ पे, तो वहाँ पे जब मौसम अच्छा होता था, धूप निकलती थी, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड कराते थे। यहाँ पे अच्छी तरह स्केट ग्राउंड बनाते थे वो, और फिर पब्लिकली खोल देते थे। तो कभी कभी हम वहाँ पे चले जाते थे और ये दोनों स्केट करते थे। थोड़ी बहुत स्केट करनी आ गई थी। यहाँ पे आइस हॉकी का बड़ा क्रेज़ है, जैसे इंडिया में क्रिकेट का क्रेज़ है, यहाँ पे आइस हॉकी का बहुत ही बड़ा क्रेज़ है। और जो लोग यहाँ पे अपने बच्चों को बचपन से ही स्केटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसके कारण वो आगे ज्वाइन कर सकें आइस हॉकी टीम को। बच्चे जब छोटे रहते हैं उनके साथ खूब सारा फ़न किया जाता है। हमने भी विंटर के पार्क में जाकर स्लाइड किया। सो ऊंचे ऊंचे हिल रहते हैं, उसमें से हम स्लाइड करके नीचे आ जाते हैं स्नो में, और लॉट ऑफ फन देयर। और समर के समय यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है बैफ, वहाँ पे हम घूमने गए थे, बोटिंग की थी। और यहाँ पे पानी इतना साफ़ है क्योंकि ग्लेशियर का पानी है। यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ है और क्रिस्टल क्लियर पानी है, और इसमें आर पार नीचे हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ है। इस बड़े बड़े स्टोन थे यहाँ पे, सो गहरा भी था, पर अच्छा लगा, बिल्कुल शांत सा, बिल्कुल अच्छा सा, बहुत बढ़िया लगा हमें वहाँ पे। नाउ बैक टू आवर रियलिटी। सो ये स्नो फिर आज गिरी है, इसको फिर दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। सो हमें हमेशा अपने पेडेस्ट्रियन को साफ़ रखना चाहिए। जब मॉर्निंग टाइम में, जैसे हम, मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो लोग साफ़ नहीं रखते, तो हमें चलने में परेशानी होती है। इसी प्रकार अपने पेडेस्ट्रियन को हमेशा साफ़ रखना चाहिए, जो कि चलने वालों को ईजी रहे। कभी कभी लोग कंप्लेन कर देते हैं क्योंकि वो चलने में आसानी नहीं होती पेडेस्ट्रियन में, सो इसलिए वो कंप्लेन करते हैं और सिटी सिटी वाले फिर फ़ाइन भी कराते हैं।